नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही सिंपल हाउस प्लान का डिजाइन किया है जो कि फर्स्ट फ्लोर तक का प्लान है। और जैसा कि आप इसका व्यू देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमने इसका एलिवेशन तैयार किया है। और इसका जो हमने एलिवेशन तैयार किया है फ्रेंड्स, तो बहुत ही सिंपल एलिवेशन तैयार किया है। और इस प्लान में आपको वेंटिलेशन का कहीं भी कमी नहीं होगा। और फ्रंट में ही दोस्तों हमने एक पोर्च एरिया का डिजाइन किया है। पोर्च एरिया में जाने के लिए यहाँ पे हमने स्टेयर का डिजाइन किया है फ्रेंड्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस प्लान में आपको मिलेगा 3 बेडरूम, 1 किचन और 1 हॉल, 1 स्टेयरकेस और 1 यहाँ पे हमने कॉमन टॉयलेट प्लस बाथ का एडजस्टमेंट किया है फ्रेंड्स। और आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर में भी जो हमने रेलिंग का डिजाइन किया है, तो बहुत ही सिंपल रेलिंग है और बहुत ही कम लागत का रेलिंग है फ्रेंड्स। इसमें हमने स्टेनलेस स्टील पाइप और इसमें हमने फुली ब्रिक वर्क किया है। और आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्पेस मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं इसको प्लान में लेकर और बताते हैं इसका डायमेंशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम प्लान में आ गए हैं, तो प्लान का लुक कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। और जो हमने विंडो वगैरह का एडजस्टमेंट किया है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कितना बढ़िया ढंग से हमने विंडो का एडजस्टमेंट किया है फ्रेंड्स। आपको वेंटिलेशन का कहीं से भी कमी नहीं होगा। और फर्स्ट फ्लोर पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पेस मिल रहा है फ्रेंड्स। तो चलते हैं इसको ग्राउंड फ्लोर के टॉप व्यू में लेकर और बताते हैं इसका डायमेंशन। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम ग्राउंड फ्लोर के टॉप व्यू में आ गए। तो टॉप व्यू का लुक कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। और घर के अंदर जो हमने फर्नीचर लगाया है, तो आप इसका भी एडजस्टमेंट देख सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पोर्च एरिया में ही हमने एक सिंगल पैनल का डोर हमने फिट किया है फ्रेंड्स। तो इसके जरिए आप घर के अंदर इंटर हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने फ्रंट में एक पोर्च एरिया का डिजाइन किया, तो इसका जो हमने विड्थ रखा है फ्रेंड्स 10 फीट रखा है और लेंथ रखा है 9 फीट। और फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फ्रंट में ही हमने स्टेयर केस बनाया ताकि आप इसके जरिए पोर्च एरिया में इंटर हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे ही सिंगल पैनल के डोर के जरिए जैसे ही अंदर आते हैं फ्रेंड्स, तो आप पहुँचते हैं हॉल एरिया में। तो हॉल में ही हमने डाइनिंग टेबल का एडजस्टमेंट किया था फ्रेंड्स। तो इसका जो हमने लेंथ रखा है 15 फीट रखा है और विड्थ रखा है 9 फीट। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लेफ्ट साइड में एक किचन का डिजाइन किया है। किचन का आप व्यू देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसका जो हमने लेंथ रखा है फ्रेंड्स 8 फीट रखा है और विड्थ रखा है 10 फीट। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा स्टेयर केस है, तो हॉल से ही कनेक्टेड है फ्रेंड्स। तो इसका जो हमने लेंथ रखा है 7 फीट रखा है और विड्थ रखा है 10 फीट 6 इंच। फिर आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो फर्स्ट बेडरूम होगा। तो फर्स्ट बेडरूम का जो हमने लेंथ रखा है फ्रेंड्स 11 फीट रखा है और विड्थ भी रखा है 11 फीट। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट बेडरूम के लिए जो हमने बाथरूम का डिजाइन किया है, तो इसका जो हमने लेंथ रखा है फ्रेंड्स 6 फीट रखा है और विड्थ रखा है 4 फीट 6 इंच। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेकेंड बेडरूम के लिए भी हमने यहाँ पे बाथरूम का एडजस्टमेंट किया है, तो इसका जो हमने लेंथ रखा है 5 फीट रखा है और विड्थ रखा है 4 फीट 6 इंच। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने सेकेंड बेडरूम का डिजाइन किया है, तो इसका जो हमने लेंथ रखा है फ्रेंड्स 11 फीट और विड्थ रखा है 10 फीट। फिर हमने एक कॉमन टॉयलेट प्लस बाथ का एडजस्टमेंट किया है, जिसका हमने लेंथ रखा है 7 फीट और विड्थ रखा है फ्रेंड्स 5 फीट 6 इंच। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमने थर्ड बेडरूम का डिजाइन किया है, तो इसका जो हमने लेंथ रखा है फ्रेंड्स 10 फीट रखा है और विड्थ भी रखा है 10 फीट। तो आज का यही प्लान था 32x34 का फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि यह प्लान आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।